अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका नाम है करेले की सब्ज़ी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करेले लेने हैं, उनको आपने ऊपर से पील ऑफ कर लेना है। मिड में से आपने सारे बीज निकाल लेने हैं, फिर उसे स्लाइसेस में कट कर लेना है। कट करने के बाद उसको आपने नमक लगा के रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद आपने उसे स्क्वीज़ आउट कर लेना है और 2 to 3 times उसे पानी से वॉश कर लेना है अच्छी तरह से। पैन ले लेना है, उसमें आपने करेले 1/2 kg जो आपने कट किए हुए थे वो आपने ऐड कर देने हैं। साथ ही उसमें 1/2 cup ऑयल ऐड कर देंगे। उन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक उनका कलर नहीं चेंज हो जाता। जैसे ही कलर चेंज होगा आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon ऐड कर देना है। उसे 2 से 3 minutes के लिए सौते करेंगे। अब इसमें हम 3 medium-sized के ऑनियन स्लाइस में कट किए हुए ऐड कर देंगे। 1 से 2 minutes के लिए इनको भी फ्राई कर लेंगे। ऑनियन देखें थोड़ा से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम 2 medium-sized के पोटैटो कट किए हुए ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon टर्मेरिक पाउडर, साल्ट 1 teaspoon, कोरिएंडर पाउडर 1 teaspoon। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे टमाटो पेस्ट यूज़ कर रही हूँ 1/2 cup। आप चाहें तो टमाटो स्लाइस में भी कट करके यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। लिड देकर उसको हल्की आंच पे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे अब हम आलू चेक कर लेंगे। देखिए अच्छे से गल चुके हैं। हमारी आलू करेले की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। गरम गरम चपाती के साथ इसको सर्व करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।